इंदौर बीजेपी के पूर्व पार्षद स्वर्गीय राजेश जोशी की गुरुवार को 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला ने स्वर्गीय राजेश जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर शहर के वाटर प्लस होने पर शहरवासियों को बधाई दी, साथ ही अब शहर में वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने की बात भी कही गई है। अमर शहीद राजेश जोशी प्रतिमा स्थली सुभाष नगर चौराहे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गरीब, निराश्रित, विधवा महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, विकलांग दिव्यांग साथियों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर का वितरण एवं स्कूली बच्चों के लिए स्कूल की पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं वाटर प्लस में इंदौर नंबर बनाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को बधाई दी, साथ ही कहा कि इंदौर वासियों का सपना है कि नदियों में वाटर बोट चले, इस नदी में जल आवागमन भी चालू हो जिसमें रोड पर प्रेशर कम होगा। देखिए, ये तो हर वर्ष में करता हूँ। पिछले वर्ष कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, पर कभी कभी राजनीति का चोला छोड़कर एक पारिवारिक वातावरण में जीना चाहिए राजनेताओं को भी, और भुट्टा पार्टी उसी का संदेश, और मुझे लगता है कि वहाँ पर सब ने इंजॉय किया और इंदौर का मालवीय व्यंजन का भी लोगों ने लुत्फ उठाया, और पिछले कई वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ। कार्यक्रम में भाजपा महासचिव के साथ विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की